सिंगरौली में दो दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिससे एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है शादी का एक दिन पुराना खाना खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ी, जिसके बाद सभी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां सभी का इलाज कर छुट्टी कर दी गई है। सिंगरौली के जियावन में एक ग्रामीण के यहाँ शादी समारोह था और बारात विदा होने के बाद दूसरे दिन घर वालों और रिश्तेदारों ने शादी का बचा हुआ खाना खा लिया, जिससे दो दर्जन से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। दूसरे दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ता देख सभी उपचार के लिए देवसर PHC हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। जबकि डॉक्टरों की निगरानी में सभी पीड़ितों का इलाज कर कुछ देर बाद सभी पीड़ितों को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया। वहीं बच्ची की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्राम चौधरी की जगदीश सिंह के यहाँ 9 तारीख को शादी थी। उस शादी के पश्चात जो भोजन बचा हुआ था 10 तारीख को वहाँ के बच्चे दोपहर बाद खाना खा लिए, जिससे उनको फूड पॉइजनिंग शिकायत हुई। एक दिन तक इन लोगों ने किसी को बताया नहीं। 12 तारीख की सुबह इन लोगों ने सचिव के माध्यम से बताया कि उल्टी हृदय की शिकायत है। तत्काल यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की टीम समस्त प्रशासनिक गोला पहुँच करके गाँव में ही शिविर किया और वहीं पे लोगों को डिप रहा करके कंट्रोल किया जाए। 9 तारीख को बारात हुई तो दूसरे 10 तारीख को बारात विदा हुई, तो 9 तारीख रात कुछ बचा भोजन था, चावल दाल थे, लोग दूसरे दिन बच्चे सभी बारात विदाई के बाद खा लिए थे 10-11 बजे के बाद। तो वही थोड़ा धीरे धीरे करके हुआ, तो पहले सोच लिए कि ठंडी का शिकायत है, फिर कुछ उधर अपना जादू टोना को मान करके झाड़ फूक पड़े रह गए। तो जैसे पता चला उसे टीम वाले पहुंचे तो उसमें से बच्चे थे लगभग 5 साल से 17 साल के बीच के थे, वो सभी को ट्रीटमेंट किया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।